नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रतापगढ़ से। आपने अब तक जिंदा मरीजों को रेफर करते हुए सुना होगा, लेकिन अक्सर अपनी सुर्खियों में रहने वाला जनपद का मेडिकल कॉलेज एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, जहाँ 5 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब मरीज की मौत हो गई, तब डॉक्टर ने उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में ही जमकर हंगामा खड़ा कर दिया है। परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पूरा मामला नगर कोतवाली के मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के ओटी का है, जहां मदनता थाना इलाके के डांडी गांव का रंजीत बीते 5 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने रंजीत को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था। यहां मरीज का इलाज डॉक्टर सचिन कुमार कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सचिन 5 दिन से मरीज को भर्ती किए थे, लेकिन ऑपरेशन नहीं कर रहे थे। आज ऑपरेशन के दौरान जब मरीज की मौत हो गई, तब डॉक्टर सचिन ने मृत मरीज को प्रयागराज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। वहीं जब अस्पताल के कर्मचारी मृत मरीज को एम्बुलेंस में रखने लगे, तो परिजनों को शक हो गया, जिसके बाद देखा तो रंजीत की मौत हो चुकी थी। इसी दौरान परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा करने लगे और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले जठवारा के नौबस्ता में रंजीत एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। रंजीत का शनिवार को मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर सचिन रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कर रहे थे, जहां ऑपरेशन के दौरान मौत के बाद डॉक्टर सचिन ने प्रयागराज रेफर कर दिया। बने रहिए प्राग एक्सप्रेस न्यूज में, आपकी खबर हमारी नजर। बोले भाई पुरानी इनको ले जाना पड़ेगा। नहीं भैया, वो नहीं, ये पेशेंट आयुष्मान का पेशेंट था और 5 दिन पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और इसका जो है डायग्नोस किया हमने कि इसका हिप डिसलोकेशन है, कूला खिसक गया है। तो इसको एडमिट किया और हमने जो है कल भी इसको ओटी में लेके आए थे। इसको हमने कोशिश की जाती है ऐसे मरीजों में कि इसको क्लोज रिडक्शन किया जाए, इसका जो है बिना चीरे के इसका जो है हड्डी बैठाने की कोशिश की जाए। तो वो हमने कोशिश किया, जब ऐसा नहीं हो पाता है तो ऑपरेशन के लिए प्लान किया जाता है। तो ऑपरेशन के लिए हमने आज प्लान किया था और जैसे ही मरीज को हम ओटी में लेकर आए और हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर ने देखा और हमारे जूनियर डॉक्टर जो है थे, उन्होंने इसको देखा और देखने के बाद इसको क्लोज रिडक्शन अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट करने की कोशिश की गई। उसी दौरान इसको जो है दौरे आए, तो इसमें जो है ऑपरेशन करने के पहले ही जो है मरीज के कन्वल्जेंस आने स्टार्ट हुए और दौरे स्टार्ट हुए और एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर हमारे डॉक्टर इश्तियाक ने इसको अच्छा मैनेज किया और उसके बाद फिर इसमें जो है सांस की नली डाल के हमने इसको रेफर किया। तो रेफर करने के बाद जैसे ही जो है हमने इसको रेफर किया एम्बुलेंस बुला के, और अभी ये मुझे पता चल रहा है कि एम्बुलेंस को इसके परिजन या फिर कुछ लोग जो है एम्बुलेंस को ले जाने ही नहीं दे रहे हैं और 1 घंटे से एम्बुलेंस यहीं पर खड़ी है। और सर, परिजनों का आरोप है कि मरने के बाद आपने रेफर किया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशेंट का जो है बकायदा पोस्टमार्टम भी किया जा सकता है, उसमें देखा भी जा सकता है। पेशेंट को ना कोई चीरा लगा है, कुछ भी नहीं, और पेशेंट को बस ऑपरेशन की तैयारी की ही जा रही थी तभी उसको जो है दौरे की शिकायत हुई और उसको हमने मैनेज करके तुरंत उसको जो है हमारे पास आईसीयू की सुविधा नहीं तो उसको हमने रेफर किया स्वरूप रानी प्रयागराज। मरीज का नाम क्या है सर? मरीज का नाम रंजीत है।